नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं स्टूडियो सीरीज में, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने समझा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से कंप्यूटर को कोई नया काम करना हम सिखाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में एक्चुअली समझने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग की क्या ताकत है, आज के टाइम पे क्यों लोग प्रोग्रामिंग की इतनी ज्यादा वैल्यू करते हैं, क्यों उस पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रोग्रामिंग से हमने अचीव क्या किया, या बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस और सैलरीज ऑफर करते हैं प्रोग्रामर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझते हैं। आपको समझना होगा कि प्रोग्रामिंग में इतनी ताकत है कि अगर हम कंप्यूटर पे एक अच्छा प्रोग्राम लिखते हैं और उसको कुछ नया करना सिखाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें इंसान का बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद होता है या होता था, लेकिन कंप्यूटर अगर एक बार वो काम करना सीख जाए तो दोस्तों उन सारे काम को बिना थके एक्यूरेसी स्पीड के साथ चुटकियों में कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, आजकल मेट्रो या रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी टिकट वेंडिंग मशीन लगी होती हैं, तो आपको जाके लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मशीन से टिकट निकाल सकते हैं। या एटीएम मशीन्स के बारे में तो क्या ही बताऊं, आप जब चाहे पैसे निकाल भी सकते हैं, आजकल जमा भी कर सकते हैं, ना खुद परेशान होना लाइन में लगना, ना बैंक के स्टाफ को परेशान करना। या और कितना भी देखिए, आप उदाहरण देख सकते हैं, आजकल पंडित जी को परेशान करने की जरूरत नहीं, दो लोगों की कुंडली आप सॉफ्टवेयर के जरिए मैच कर सकते हैं। अब आप एक समझेंगे पॉइंट क्या है, धीरे धीरे वो सारे एरियाज जहां पे पहले इंसान का बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद होता था, वो सारे काम धीरे धीरे हम कंप्यूटर को करना सिखा रहे हैं। बट एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या कंप्यूटर को सब कुछ करना सिखाया जा सकता है? जी नहीं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो काम जो रिपीटेटिव नेचर के हैं, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा नया लॉजिक इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं होता, बार बार सेम काम करना होता है, वो काम कंप्यूटर को सिखाना आसान होगा। अब यहां देखिए अकलमंदी हमारे प्रोग्रामर की, कि किसी एक टास्क को समझना, उसको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में ब्रेक करना और एक अच्छा प्रोग्राम लिख के कंप्यूटर को सिखाना। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह दुनिया के अलग अलग फील्ड्स में कंप्यूटर हमारी मदद कर रहा है, बट हमको करना क्या है, हमको किस भी फील्ड के अंदर जो भी टास्क हम कर रहे हैं उसके नेचर को समझना है, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करना और कंप्यूटर को सिखाना है। और एक बार कंप्यूटर वो काम करना सीख गया तो फिर मान लीजिए सारी समस्या हल। बट दोस्तों, ये काम करना दरअसल बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए मैंने कुंडली सॉफ्टवेयर का उदाहरण लिया, अब एक सी समझिएगा, एक मैथमेटिक्स है जिसको समझने में किसी व्यक्ति को जिंदगी निकल जाती है, तब वो शायद इस काबिल बनता है कि सही तरीके से ग्रहों की स्थिति, भारतीय कैलेंडर, और आप कहां जन्मे, क्या समय था, पता नहीं कितने मैथमेटिकल एक फंक्शन है, कितने सारे फैक्टर्स यूज होते हैं, तब जाके आप ये काम कर पाते हैं। अब एज ए इंजीनियर हमारी समस्या ये कि पहले हमको पूरी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, फिर इसका एक्चुअल लॉजिक समझना पड़ेगा, फिर उसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो अब समझिए, चाहे हम एक इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं किसी डॉक्टर के लिए, या मान लीजिए एक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं किसी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, किसी भी फील्ड के अंदर जाके किसी काम को करने के लॉजिक को समझना, फिर उसको एक अनएम्बिगस तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखना, दोस्तों दरअसल ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। और इसीलिए शायद आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो प्रोग्रामर्स को एक हैवी सैलरी देती है। दोस्तों, अगर अभी तक के सारे डिस्कशन को समराइज करने की कोशिश करूं, तो एज अ प्रोग्रामर हमें समझना है कि पहले हमें एक प्रॉब्लम समझना होगा किसी भी फील्ड के अंदर, वो प्रॉब्लम आखिर है क्या, क्या वो प्रॉब्लम रिपीटेटिव नेचर का है, क्या बार बार सेम तरह का काम किया जाता है। अगर हाँ, तो प्रॉब्लम समझने के बाद हमें समझना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस प्रॉब्लम को इफेक्ट करते हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्यूशन लिखना होगा, फिर वो सॉल्यूशन एज अ प्रोग्राम कंप्यूटर को समझाना होगा। बट यहां दोस्तों एक शब्द आता है, प्रोसीजर या एल्गोरिदम। क्या एज अ प्रोग्रामर हम डायरेक्ट कंप्यूटर में ही प्रोग्राम लिखते हैं, या पहले हम एक एल्गोरिदम, सूडो कोड या प्रोसीजर जिसको हम बोल सकते हैं वो लिखते हैं, खुद पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है, और फिर एक प्रोग्राम लिख के वो बात कंप्यूटर को समझाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करते हैं। अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा एल्गोरिथम क्या है, प्रोसीजर, एल्गोरिथम या सूडो कोड ये क्या होता है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इनका दोस्तों प्रोग्रामिंग से या प्रोग्राम से क्या लेना देना है। तब तक के लिए धन्यवाद।